हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा बैंक ऑफ अमेरिका, जो कि एक फॉरेन बैंक है, इसका जो कि बैंक का जो ब्रांच है ऑल ओवर इंडिया में है। तो दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया में बैंक ऑफ अमेरिका के रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो दोस्तों, अगर आप अप्लाई करना चाहते, मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से आप अप्लाई कर सकते, कौन कौन लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते। तो दोस्तों, इसके लिए पूरा वीडियो देखें, उसके बाद ही आप लोगों को समझ आएगा कि किस तरह के आप अप्लाई कर सकते। तो दोस्तों, अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस जो कि बैंक ऑफ अमेरिका के ऑफिशियल पेज है, आपको यहाँ पर आना होगा। इस पेज का लिंक मैं नीचे दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जाके डायरेक्टली इस पेज में आ सकते। तो दोस्तों, इस पेज में आने के बाद आपको क्या करना होगा, नीचे जाना होगा। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे करियर ऑप्शन मिलेगा, आपको करियर ऑप्शन में जो कि यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक फॉर्म, यहाँ पे एक छोटा सा आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसको आपको यहाँ पे वो देना, यहाँ पे आपको वो सिलेक्ट करना होता है। दोस्तों, उसका नीचे ठीक लिखा हुआ है, वेलकम डिस्कवर हाउ यू कैन रियलाइज योर करियर पोटेंशियल। वी ऑफर अ वैरायटी ऑफ रोल्स अराउंड द वर्ल्ड। ज्वाइन अस एज वी हेल्प आवर क्लाइंट एंड कस्टमर फाइंड द राइट फाइनेंशियल सॉल्यूशन एंड असिस्ट देम विद द व्हाट मैटर मोस्ट। लाइफ इज बेटर व्हेन वी आर कनेक्टेड। तो इसके साथ साथ यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट अपॉर्चुनिटी आर यू इंटरेस्टेड। अगर आप करियर अपॉर्चुनिटी के लिए आप जॉब वैकेंसी पाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटी जो है यहाँ पे क्लिक करना होगा। अगर आप कैंपस एंड स्टूडेंट प्रोग्राम के लिए चाहते हैं, तो आपको वहाँ पे क्लिक करना होगा। तो मैं बेसिकली यहाँ पे जॉब वैकेंसी ढूंढना चाहता हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटी जो है यहाँ पे मैं दिया हुआ। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ, वेयर आर यू लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे आपको कंट्री जो है सिलेक्ट करना हो, कौन सा कंट्री से आप बिलोंग करते हो इसमें। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे मेरा जो इंडिया है, मैं इसको यहाँ पे दे रहा हूँ। इसके बाद मैं गेट स्टार्टेड जो है यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। इसमें क्लिक करने के बाद और एक गेट स्टार्टेड एंड अप्लाई नाउ जो कि आएगा, इसमें आपको क्लिक करना होगा। इसमें क्लिक करने के बाद आपको जो जो रिसेंटली पोस्ट हुआ है ऑल ओवर इंडिया में, इसका रिक्रूटमेंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते जो कि रिसेंटली जो जो पोस्ट यहाँ पे निकला हुआ है, यहाँ पे चला आया है। तो दोस्तों, फर्स्ट पोस्ट जो है यहाँ पे, मैं अभी आप लोग को बता देता हूँ, असिस्टेंट मैनेजर गुड़गांव, 14 नवंबर 2018 में इसका पोस्ट हुआ है। उसके बाद है सीनियर एनालिस्ट, सीनियर एडमिन एंड सपोर्ट, गुड़गांव, 14 नवंबर 2018। टीम मेंबर हैदराबाद, 14 नवंबर 2018। सीनियर एनालिस्ट एप्स प्रोग्राम चेन्नई, 14 नवंबर 2018। सीनियर एनालिस्ट एप्स प्रोग्राम मुंबई। टीम मेंबर गुड़गांव, 14 नवंबर 2018। टीम एनालिस्ट मुंबई, 14 नवंबर 2018। एनालिस्ट एप्स प्रोग्राम चेन्नई। तो दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो जो रिसेंटली पोस्ट हुआ है, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। ऑल ओवर इंडिया में जो जो सिटीज़ है, बहुत सारे सिटीज़ में इसका जो ब्रांचेस है, वहाँ पे इसका जो रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो अगर आप कोई भी सिटी से आप बिलोंग करते हो, अगर आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी सिटी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, कोई भी सिटी के लिए, कोई भी पोस्ट के लिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी आप लोग को दिखाऊंगा किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए मानिए, अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो असिस्टेंट मैनेजर के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर के जो ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा। इसमें क्लिक करने के लिए इसका, इस पोस्ट का जो डिटेल है यहाँ पे चला आएगा। इस पोस्ट का डिटेल आने के बाद आपको अप्लाई नाउ जो है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना होगा। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक फॉर्म दिया जाएगा, जिस फॉर्म को आपको फिलअप करके सबमिट करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जिस फॉर्म आपको दिया जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा। यहाँ पे फिलअप करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा स्लो होने के वजह से यहाँ पे ओपन थोड़ा देरी से हो रहा है, तो मैं थोड़ा यहाँ पे स्किप कर लेता हूँ। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट स्टेप है, मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पे एक पेज आया, जिस पेज में आपको फिलअप करना होगा। तो दोस्तों, फर्स्ट आपका जो CV है, आपको यहाँ पे वो देना होगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन में जाना होगा। नेक्स्ट ऑप्शन में जाने के बाद आपको वो आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आपको वो सब यहाँ पे डिटेल्स देना होगा।
उसके बाद आपका पर्सनल डिटेल्स देना होगा। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है आप उसको भी दे सकते। यहाँ पे आपको फ्रेशर जो है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते। तो दोस्तों इस तरह से आपको जो ये फॉर्म आपको फिलअप करना होगा, उसके बाद आपको सबमिट कर देना होगा। सबमिट करने के बाद अगर आपका एप्लीकेशन वो शॉर्टलिस्टेड होता है फॉर दिस पोस्ट, तो उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। इंटरव्यू में अगर आप क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आपका जो ये जॉब है आपको मिल जाएगा। इस तरह से जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं बैंक ऑफ अमेरिका के जॉब के लिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे इस चैनल को। इसके साथ से लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।